हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंसेस। इस वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगी। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको इंट्रोडक्शन, व्हेन टू यूज एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगी। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस में मैं आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करना सिखाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सेकेंड पार्ट यानी कि स्पेलिंग चेंजेस, कुछ कॉमन मिस्टेक्स एंड आप लोगों से सॉल्व करवाऊंगी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में। इसकी पहचान होती है सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रहा हूं, रही है आदि वर्ड लगते हैं। जैसे मैं क्या कर रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इस टाइप से एग्जाम्पल्स को देखते हैं। आई एम वर्किंग, द कारपेंटर इज मेकिंग अ चेयर, दे आर लर्निंग। यहां पर इज आ रहे हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। और एक और चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, वर्ब में आई एन जी जो मेन वर्ब होती है उसमें आई एन जी एड करते हैं। इंडेफिनिट में ऐसा कहीं भी नहीं था, लेकिन जो भी कंटिन्यूस टेंस हमारे होते हैं, आगे जो भी हम पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, तीनों टेंसेस में ही हमेशा वर्ब में आई एन जी लगेगा, यही कंटिन्यूटी को शो करती है। ठीक है, अब आप सोचोगे इसमें एम है, इसमें इज है, इसमें आर है। सो डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन ऑल स्ट्रक्चर, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। ठीक है, अभी जस्ट मैं आपको इंट्रो दे रही हूं। एंड दिस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेस में जो वर्क हो, कंटिन्यूटी में जो वर्क हो, तो इसके नाम से ही आपको पता चलता है। नाउ व्हेन टू यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहां यूज करते हैं देखते हैं। नाउ मोहन इज राइटिंग अ लेटर, मींस जो करेंटली हमारे समय क्या काम हो रहा है उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला मोहन इस समय क्या कर रहा है, मोहन इज राइटिंग अ लेटर, वो इस समय लेटर लिख रहा है। नाउ मतलब करेंट, करेंटली इस समय क्या वर्क हो रहा है, केवल हम उस मोमेंट की बात कर रहे हैं, इस मोमेंट पर क्या वर्क हो रहा है। सपोज आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। ठीक है, इस टाइप से हम यूज करते हैं एट दैट मोमेंट। तो यहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। सेकेंड यूज इसका होता है लॉन्गर एक्शन। लॉन्गर एक्शन मतलब आप उस समय वो वर्क नहीं कर रहे, लेकिन आप वो वर्क कर रहे हो आगे कुछ बनने के लिए या कुछ करने के लिए। जैसे आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा, या फिर आपको, जैसे मैंने इसमें लिखा है आई एम स्टडिंग टू बिकम अ डॉक्टर। मैं आजकल, जैसे मुझसे किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, मैं डॉक्टर के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ या मैं डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ऐसे में हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। लॉन्गर एक्शन कैसे हो गया, ऐसा नहीं है कि कल ही मैं डॉक्टर बन जाऊंगी या बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए क्या आपको 1 ईयर 2 ईयर प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे आपको इंजीनियर बनना है, IIT एक्सेट्रा, इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, तो आप 1 ईयर 2 ईयर का कोर्स करते हैं। तो इस टाइप से आपसे कोई पूछता है, आपका 12th पास हो गया और आपसे कोई पूछता है अरे आजकल क्या कर रहे हो, किसी कॉलेज में एडमिशन लिया? नहीं नहीं नहीं, मैं तो 1 ईयर ड्रॉप करूंगा और आजकल तो मैं क्या कहते हैं IIT की तैयारी कर रहा हूँ, मतलब एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इस साल नेक्स्ट ईयर देखते हैं क्या होता है। तो इसमें आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं और ये लॉन्गर एक्शन शो करता है, मतलब जो अभी नहीं बाद में उसका रिजल्ट आएगा, लेकिन वो कंटिन्यू बहुत लॉन्ग टाइम के लिए 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के लिए चलेगा। फिर एडमिशन ले तो 4 ईयर 5 ईयर, इस तरह से कोर्स होता है। हाल फिलहाल में ये कर रहा हूं, तो यहां पर हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। थर्ड हमारा आता है स्लो प्रोसेस। स्लो प्रोसेस कौन सी होती है, जिससे जो नेचुरली होती है ज्यादातर, वो स्लो प्रोसेस होती है, जो वर्क कंटिन्यू में तो है लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, मोहन इज राइटिंग अ लेटर, अभी ये लिख रहा है, अभी वो खत्म भी कर सकता है या उठ भी सकता है, जो अपने आप हो रही है स्लोली स्लोली। जैसे ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग डे बाय डे, ग्लेशियर्स जो हो रहे हैं आजकल मेल्ट होते जा रहे हैं। जैसे बात करते हैं पॉल्यूशन को ले लीजिए, पॉल्यूशन
इज इंक्रीजिंग डे बाय डे अराउंड द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में पॉल्यूशन जो है बहुत इंक्रीज हो डे बाय डे. वो मैं दिखाई नहीं दे रहा पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है कि अभी इंक्रीज हो रहा है कल नहीं होगा. स्लोली 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 वो प्रोसेस चल रही है आपकी, जैसे ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग. बहुत ही कितने सालों से चल रही है, आने वाले कितने इयर्स तक हो रही है, लेकिन कंटिन्यूएशन में हम बोलते हैं उसको कि ग्लेशियर्स हो रहे हैं. आजकल पॉल्यूशन कितना हो गया, डे बाय डे बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग डे बाय डे. इस तरह से हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का. नेक्स्ट हमारा यूज होता है फ्यूचर. अच्छा ठीक है, और फ्यूचर में तो फ्यूचर का यूज होना चाहिए. यहाँ पर फ्यूचर का क्या मतलब है? फ्यूचर इंडेफिनिट यूज होना चाहिए. आई विल डू दिस वर्क, ठीक है, आई विल गो टू स्कूल टुमारो, यही बताया था मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट में. फिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आ गया और कैसे यूज होता है आप ये समझिए. सबसे पहले इसमें फ्यूचर वर्ड जो अगर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में शो करना है तो इसमें लगता है इज गोइंग. जो ये गोइंग वर्ड है ना यहां, शी इज गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक. सबसे पहले ये हमारा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन ये फ्यूचर कैसे शो कर रही है हमारा, ये हमने जो नेक्स्ट वीक लगा दिया. अगर मैं इसमें से नेक्स्ट वीक हटा देती हूं और मैं केवल क्या बोलती हूँ, She is going to Delhi, तो ये सिंपल नाउ की पोजीशन बन जाएगी, ये ऊपर वाली यूज में आ जाएगा, मतलब वो अभी दिल्ली जा रही है. लेकिन अगर मैंने इसमें फ्यूचर टाइम वर्ड यूज कर दिया, She is going to Delhi next week, तो इसका मतलब नेक्स्ट वीक को दिल्ली जाएगी. तो मैं ये भी बोल सकती हूँ शी विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, फ्यूचर इंडेफिनिट भी यूज कर सकती हूँ. लेकिन अगर हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस उस पर यूज करना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी यूज कर सकते हैं. एक तरह से हम मान लीजिए प्लान फ्यूचर जो होते हैं पहले से ही उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं. प्लानिंग कर लिए कि मैं नेक्स्ट वीक दिल्ली जाऊंगी, ठीक है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक. अच्छा अब इसका एक और एग्जाम्पल मैं लेती हूँ. सपोज मैंने डिसाइड किया है, कोई प्लॉट लिया है और उस पर मैं घर बनवा रही हूँ, अपना हाउस बनवा रही हूँ, तो मैं क्या कहूंगी उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के तरीके से, आई एम गोइंग टू बिल्ड अ हाउस, मैं घर बनवाने जा रही हूं. आई एम गोइंग टू बिल्ड अ हाउस, यानी कि अभी ऐसा नहीं कि मैं अभी करंटली कर रही हूं, मतलब I am going to, मैं उस टाइम में वो स्टार्ट करूंगी. एक इंटेंशन, एक प्लान फ्यूचर, एक प्लान फ्यूचर है जिसको मैंने कंटिन्यूस तरीके से शो किया है कि मैंने ले तो लिया है, अब मैं सोच रही हूँ कि अब एक घर उस पर बनवाई लूँ, यानी कि मैं स्टार्ट कर दूंगी, मतलब नियर फ्यूचर जो आने वाला है, हो सकता है दो तीन दिन में उस वर्क को स्टार्ट कर दूँ. बहुत दूर वाला फ्यूचर नहीं, नियर फ्यूचर जिसे हम बोलते हैं बहुत नियर फ्यूचर, दो तीन दिन में या विद इन अ वीक वो आने वाला है. आई एम गोइंग टू बिल्ड अ हाउस, पे मतलब बनवाना शुरू कर रही हूँ. तो इस टाइप से मेरा फ्यूचर इंटेंशन क्या दिख रहा है, फ्यूचर कि मैं वो फ्यूचर में करवाऊंगी. लेकिन यूज हम कैसे कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लगाकर, आईएनजी लगाकर. शी इज गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, यानी नेक्स्ट वीक वो जा रही है, ठीक है, और इसमें टाइम, फ्यूचर टाइम का यूज करके. या कुछ मैंने इंटेंशन लिया है, जैसे आई एम गोइंग टू बिल्ड अ हाउस, मैंने अभी एग्जाम्पल जो आपको दिया था, तो इसमें मैंने एक इंटेंशन है, मेरे प्लैंड है मेरा फ्यूचर, तो उसमें मैं यूज कर सकती हूँ. नेक्स्ट होता है टेम्पररी. अब ये देखिए, वी आर स्टेइंग एट अ होटल. आप कहीं भी हॉलीडे के लिए गए हो तो आप होटल में स्टे करते हो तो आप क्या बोलोगे? आप ये तो नहीं बोल सकते वी स्टे एट अ होटल. नो रॉन्ग. कुछ याद आया इससे आपको? प्रेजेंट इंडेफिनेट उसमें जो यूज होता था उसमें मैंने आपको बताया था टेम्पररी में यूज नहीं हो सकता, परमानेंट में यूज होता है, यही बताया था मैंने आपको. और इधर इसका क्या हो गया, ऑपोजिट. उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे हमारी परमानेंट कंट्री इंडिया है तो हम उसमें कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज नहीं कर सकते, कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज करेंगे. और यहाँ पर उल्टा है, आप ऐसे नहीं कह सकते वी स्टे, इसका मतलब पता है क्या होता है, हमेशा होटल में रहते हो वही आपका घर है. नो, टेम्पररी आप कहीं रुक रहे हो तो वी आर स्टेइंग एट अ होटल, इसका मतलब नाउ, करेंटली आजकल हम होटल में लिखे हुए हैं कुछ दिनों के लिए जब तक इस सिटी में रहेंगे. तो ये सब यूज होते हैं आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस के. अभी हमने वेंट यूज पढ़ा था ना, अब हम पढ़ेंगे कि हम कहाँ यूज नहीं कर सकते, यानी When not to use present continuous tense. हाँ,
इसमें ये भी चीज जरूरी होती है क्योंकि बहुत ज्यादा हम मिस्टेक कर देते हैं, कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनके साथ हम कंटिन्यूस टेंस यूज नहीं कर सकते। तो लेट्स सी द एग्जांपल्स। सबसे पहले मैं बात करूंगी स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कभी भी या कोई भी कंटिन्यूस टेंस या आईएनजी लगा होता है ये फॉर्म यूज नहीं होती है। स्टेटिव वर्ब क्या होती है सबसे पहले आप ये समझिए। मैं समझाना चाहूंगी देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, स्टेटिव वर्ब्स एंड डायनेमिक वर्ब। डायनेमिक वर्ब रेफर्स टू एक्शन वर्ब, जो एक्शन शो करती है जैसे जंप, ईट, टीच, लर्न। तो इसमें कोई एक्शन हो रहा है, ये क्या शो कर रही है कि कोई एक्शन को, कि वह ये काम कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ड्रिंक, व्हाटएवर। और स्टेटिव वर्ब्स क्या होती है, इसकी अपोजिट, जिसमें कोई एक्शन शो नहीं होता, स्टेट शो होती है। तो जो वर्ब एक्शन शो नहीं करती उनको हम बोलते हैं स्टेटिव वर्ब। तो स्टेटिव वर्ब के साथ कंटिन्यूस टेंस यूज नहीं होता। देखिए एग्जांपल से समझिए कौन सी होती है जो स्टेट शो करती है, जो एक्शन शो नहीं करती, क्या मतलब इसका। लाइक, लव, हेट, ये सब मैंने लिखी है। इसके अलावा भी बहुत सी होती है, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने इधर लिखी है जो बहुत कॉमनली हम लोग यूज करते हैं। लाइक, लव, हेट, वॉन्ट, नीड, प्रेफर, नो, सी, अंडरस्टैंड, है, एसेट्रा एसेट्रा। इसके अलावा और भी होती है, कंसेस, बिलोंग, ठीक है, बहुत सारी होती है जो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको पता चलेगा इस टाइप के सेंटेंसेस की। तो मैंने अभी आपको बताया स्टेटिव वर्ब्स क्या होती है, जो स्टेट शो करती है। अब ये वर्ब को देख के बताइए कोई भी एक्शन शो रहा है कि लाइक कोई एक्शन है, पसंद करना, हेट करना, लव करना, वॉन्ट, नीड, तो ये क्या शो कर रही है, स्टेट शो कर रही है, कोई एक्शन शो नहीं कर रही। जैसे ईट, तो वो मुझे करना पड़ता है, ईटिंग, जंपिंग, लर्निंग, ड्रिंकिंग, इस टाइप से कुछ भी शो नहीं कर रही। तो क्या शो कर रही, केवल स्टेट है। अंडरस्टैंड, यस आई अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज वेरी वेल, इस टाइप से कोई ऐसा। इसका मतलब ये नहीं कि वो मैं कर रही हूं काम, मैंने जनरली बोला आई अंडरस्टैंड इंग्लिश, आई अंडरस्टैंड हिंदी, इस टाइप से मैंने बोला, कुछ एक्शन तो नहीं बताया ना कि ये काम मैं कर रही हूं या कर चुकी हूं या करती हूं। तो उस पर कोई भी एक्शन शो नहीं होता। लेकिन एक्सेप्शनल केस में आपको बता देती हूं, कभी कभी कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो स्टैटिक की तरह भी बिहेव करती हैं और डायनेमिक की तरह भी बिहेव करती हैं। और इसको हम कैसे पहचानते हैं, सेंटेंस के मीनिंग। कभी कभी सेंटेंस का मीनिंग एक्शन शो करता है और कभी कभी जो एक ही वर्ड है उसके कई मतलब हो जाते हैं। कोई कोई वर्ड ऐसा होता है कि वर्ड तो वो एक ही होता है लेकिन हमें सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि वो किस तरह से यूज होता है। जैसे एग्जांपल एक हैव जो मैंने लिखा है ना अभी, तो मैं आपको उसमें एज अ स्टेटिव वर्ब बताऊंगी, स्टेटिव वर्ब की तरह यूज होता है, हैव कोई एक्शन नहीं है। लेकिन कभी कभी ना हैव को एक्शन वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ तो इटिंग की जगह आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं जस्ट ब्रेकफास्ट ले रही हूँ, हैविंग, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमको इसका कोई रूल नहीं है। सेंटेंस देखकर पहले समझना पड़ता है कि वो एक्शन शो तो नहीं कर रही है कोई भी इनमें से स्टेटिव वर्ब, ज्यादातर नहीं करती, लव हेट ये सब नहीं करती। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, हैव, हैव कहीं कहीं करती है कहीं कहीं नहीं करती। आपको मीनिंग से निकालना पड़ेगा कि जो हैव है वो कोई स्टेट के उसमें यूज हो रही है या फिर हैव का मतलब लेना, मतलब कोई भी चीज आप ले लो, आई एम हैविंग डिनर, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग लंच, तो उसमें मैं खाने खाने से रेफर करता है, ले रही हूँ वो चीज। तो ये आपको देखना पड़ेगा, इसमें हैव बहुत ही कॉमन है, दोनों तरह से यूज होता है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है ये। तो स्टेटिव वर्ब्स में हम यूज नहीं करते। देखिए I am understanding English. No, we never say. I understand English. मैं English समझती हूँ, मैं English समझ रही हूँ. No, it doesn't have any sense. एक और example मैं बताती हूँ आपको stative verbs का. Are you needing help? Suppose आपको कोई रास्ते में मिल गया है, किसी से आप पूछना चाहते हो, उसको आपकी मदद तो नहीं चाहिए, आप इस टाइम फ्री हो, नहीं आप कभी भी ऐसे नहीं बोलते, हमेशा ऐसे सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट आप यूज करते हो। डू, याद आया प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू यू नीड हेल्प, इसका हिंदी में क्या मीनिंग निकल रहा है, क्या तुम मदद चाहते हो, लेकिन हम ऐसे, क्या तुम्हें मदद चाहिए, डू यू वॉन्ट हेल्प और डू यू नीड हेल्प, क्या तुम्हें मदद चाहिए, तुम मदद चाहते हो,
आर यू नीडिंग हेल्प, क्या तुम भले उसे उसी टाइम जरूरत है करंट, लेकिन स्टेटिव वर्ब्स नीड कभी यूज नहीं करेंगे। नीडिंग नो कंप्लीटली रॉन्ग, इसका बहुत ध्यान रखना है आपको। जनरली हम मिस्टेक करते हैं वर्ब, क्योंकि हमें पता नहीं होता ये स्टेटिव वर्ब्स होती क्या है, क्या शो कर रही है, इसका आपको ध्यान रखना है। अच्छा नेक्स्ट परमानेंट, अभी मैंने आपको वेन टू यूज में बताया था ना टेम्पररी, परमानेंट यूज नहीं हो सकती, तो वेन टू यूज इसका अपोजिट हो गया, परमानेंट में यूज नहीं हो सकती है। आई एम लिविंग इन इंडिया, नो, प्रेजेंट इंडेफिनेटली मैंने आपको बताया था, कंप्लीटली रॉन्ग। आई लिव इन इंडिया इज राइट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का वेन टू यूज लर्न कीजिए, परमानेंट में ये सही लिख देते हैं आई लिव इन इंडिया, कि प्रेजेंट इंडेफिनेट परमानेंट सिचुएशन में यूज होता है, टेम्पररी में क्या यूज होता था, पहले मैं आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूस जो मैं आगे पढ़ाऊंगी, अब वही चीज आ गई, टेम्पररी में यूज किया था तो परमानेंट में नहीं यूज होता। इसी टाइप से देखिए, यहाँ भी ये वाला रॉन्ग है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये राइट। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। मैं आपको हर बार एक चीज बताती हूँ, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें हम आंसर देते हैं कि मैं ये काम कर रही हूँ, जिसमें हम बताते हैं कि क्या हो रही है, क्या एक्टिविटी हो रही है ओनली, जिसमें कुछ भी पूछा नहीं जाता, ना ही वो कोई नेगेटिव होते। और नेगेटिव कौन से होते हैं, जिसमें हम नहीं यूज करते हैं, जो काम नहीं हो रहा होता है। और इंटरोगेटिव होते हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, अभी तक यही होता हुआ है, सब्जेक्ट सबसे पहले होता है, फिर आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, आर, एम। अब बात करते हैं इज कब यूज होता है, आर कब यूज होता है, एम कब यूज होता है। आई के साथ एम यूज होता है, एम सिंपल है, केवल आई के साथ यूज होगा। इसके बाद जो भी सिंगुलर है, ही, शी, इट, और कोई भी अगर एक नेम है, तो उसके साथ हम यूज क्या करेंगे, इज। इसके बाद प्लूरल, यानी कि यू, वी, दे, इन सबके साथ हम क्या यूज करेंगे, आर, यानी सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, और आई के साथ एन। बिल्कुल ऐसा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता था, सिंगुलर के साथ डस और प्लूरल के साथ डू, एक्सेप्ट आई, आई को हम प्लूरल वाला रूल फॉलो करते थे डू से। तो इधर आई को हम कोई भी रूल फॉलो नहीं करेंगे, इसका अलग बनाया है हेल्पिंग वर्ब एम, और सिंगुलर के साथ इस, और बाकी प्लूरल के साथ, ठीक है। तो देखते हैं एग्जांपल्स, लड़कियां स्कूल जा रही हैं, लड़कियां यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये प्लूरल है आर, मैंने यहां पर लिखा है आर, जाना गो, गो मतलब जाना, और इसके आगे मेन वर्ब में क्या लगा देते हैं, आई एन जी। भाई देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब में ये स्ट्रक्चर सेम रहता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, कहीं हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इनके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस आर प्लस मेन वर्ब में आई एन जी, एंड बचा वो ऑब्जेक्ट, गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल, बहुत ही सिंपल टेंस है ये। मैं खाना पका रही हूं, आई, आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है, एम, राइट, और पकाना मतलब कुक, और उसके साथ क्या लगा देंगे हम, आई एन जी, आई एम कुकिंग द फूड। वे बाजार जा रहे हैं, दे सिंगुलर है या प्लूरल, 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 प्लूरल के साथ क्या लगता है, आर, दे आर गोइंग टू मार्केट। इसी टाइप से होते हैं आपके अफर्मेटिव, ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, और वर्ब में आई एन जी, फर्स्ट फॉर्म, फॉर्म देखने की जरूरत नहीं है, वर्ब में आई एन जी और ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। मैंने यहां पर बस क्या लिख दिया है, अफर्मेटिव पढ़े थे फर्स्ट, और सेकंड मैंने यहां पर क्या लिख दिया है, नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि जिसमें हम नॉट यूज करते हैं। नॉट कहां पर लगाते हैं, हमेशा हर टेंस में देखा होगा नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी कि मैं यहां पर नॉट किधर लगाऊं, सब्जेक्ट,
हेल्पिंग वर्ब और यहां पर आपका क्या लग जाएगा नॉट प्लस सेम वर्ड में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम चल रहा है स्ट्रक्चर, बस हेल्पिंग वर्ब हर जगह चेंज हो जाती है। ठीक है, यही मैंने शुरू में बताया था फर्स्ट टाइम से कि हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होती है हर, और रूल हमेशा सेम ही रहता है कि सब्जेक्ट पहले आएगा तो ऐसा नहीं ऑब्जेक्ट आप पहले कर दो टेंस में। ठीक है, अब मैं यहाँ पर भी क्या लगा दूँ, लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं, गर्ल्स आर, हेल्पिंग वर्ब के बाद मुझे क्या लगाना है नॉट, बन गया ये नेगेटिव, नो प्रॉब्लम। सेकंड, मैं खाना नहीं पका रही हूं, नेगेटिव, तो अब ट्रांसलेशन भी नेगेटिव, आई एम नॉट, वेरी सिंपल। अब तो आपको पता भी चल गया होगा, अब तो आपको अपने आप ही पता होगा मैं नॉट कहां लगा रहा, आई एम नॉट कुकिंग द फूड, बे बाजार नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट, हो गए ये नेगेटिव आपके। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या ऐड कर दिया हमने, Not, क्योंकि यहाँ पर ये भी नहीं है कि अफर्मेटिव में नेगेटिव वो लगेगा और हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव से शो होगी, ये भी नहीं है, बस नॉट नॉट एंड नॉट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी टू टाइप के होते हैं, सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। सिंगल इंटरोगेटिव का मतलब होता है यस और नो टाइप सेंटेंसेस। सबसे पहले हम बात करेंगे यस एंड नो टाइप सेंटेंसेस की। यस और नो टाइप सेंटेंसेस मतलब जिसका आंसर हम केवल यस और नो देकर भी सेंटेंस पूरा लगता है। जो सेंटेंस हिंदी में अगर हम देखें तो क्या से स्टार्ट होते हैं, क्या लड़कियां कमरे में खेल रही हैं, क्या वे बाजार जा रहा है, क्या तुम ये काम कर रहे हो, तो मैं अगर ऐसे बोल दूं क्या तुम ये काम कर रहे हो, वो मुझे नहीं, तो मैं समझ जाऊंगी वो क्या कह रहा है, नहीं मैं ये काम नहीं कर रहा, क्या लड़कियां बाजार जा रही है, हाँ तो यस दे आर गोइंग टू मार्केट, मतलब गर्ल्स आर गोइंग टू मार्केट, मैं ऐसे समझ जाऊंगी। तो इसलिए ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं यस और नो टाइप सेंटेंसेस। और ये क्या से स्टार्ट होते हैं, क्या से स्टार्ट होते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसे सेंटेंसेस हम स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब से, यस और नो टाइप सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इज एम आर, और उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आई एन जी और ऑब्जेक्ट। अभी तक यही चलता आया है, बस हेल्पिंग वर्ब बदलती हैं। मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूं, अब तक जो आपने थ्री टेंसेस पढ़े हैं कैसे बदलती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज लगता है और मेन वर्ब चेंज हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म इधर लेकिन आई एन जी कंटिन्यूस ये पहचान है, और पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगता था फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल लगता था फर्स्ट फॉर्म, यानी इंडेफिनिट इंडेफिनिट में फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म आ रही है नेगेटिव इंटरोगेटिव में, उसमें आईएनजी, लेकिन स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब आई थी पहले उसमें भी, इसमें भी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, सब में सेम रहता है स्ट्रक्चर। तो स्टार्ट करते हैं, क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं, लड़कियां क्या है प्लूरल, ठीक है गर्ल्स, गर्ल्स के साथ मतलब आर लगेगा, आर, फिर इसके बाद सब्जेक्ट क्या है आर द गर्ल्स, ठीक है, खेलना क्या होता है प्ले, और इसमें हम लगा देंगे आईएनजी तो बन गया प्लेइंग इन द रूम। ठीक है, क्या वे बाजार जा रहा है, सबसे पहले हमको उसमें लेकिन हमेशा ये पहचान है, ध्यान रखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमको पहचान है सबसे पहले सिंगुलर है या प्लूरल है, या फिर मैं मतलब आई है तो एम, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक मत करिएगा कि आर लगा दो सिंगुलर में, नो, इज, इसके बाद सब्जेक्ट ही, गोइंग टू मार्केट हो गया। अच्छा, अगर मैं इनको नेगेटिव ही बना दूं, यानी इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही लगा दूं, मतलब मैं इसमें नहीं लगा दूं, तो अब इसमें नॉट कैसे लगाएंगे, लड़कियां कमरे में जैसे नहीं खेल रही हैं, ठीक है, और क्या मैं बाजार नहीं जा रहा, सपोज करिए मैंने ऐसे पूछ लिया, ठीक है, ऐसे करके मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, मीनिंग से मत निकालेगा इसका सेंस कि हम ऐसे सेंटेंस पूछते हैं, यानी सही है ये भी, लेकिन मैं एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ कि आप कुछ ऐसे सेंटेंस हुए तो इसमें हम नॉट का लगाएंगे, क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता था, हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव में इज नॉट आर नॉट एम नॉट, लेकिन
अभी तक मैं बताती आ रही हूँ, इंटरोगेटिव में अगर हमें नॉट भी लगाना है तो कहाँ लगाते हैं? सब्जेक्ट के बाद। बार बार मैं इस चीज पर फोकस कर रही हूँ क्योंकि बहुत मिस्टेक इसमें होती हैं। हम लोग इधर लगा देते हैं नॉट, कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस। क्या लड़कियां कमरे में नहीं खेल रही, यानी कहाँ लगेगा? आर द गर्ल्स नॉट प्लेइंग, यानी मेरे स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। कभी भी यहां मत लगा देना, मैं इस चीज की मना कर रही हूँ। नॉट, नो, कंप्लीटली रॉन्ग, नहीं लग सकता इधर। ठीक है, इज ही नॉट, करेक्ट, यहां पर मत लगा देना रॉन्ग। ठीक है, मैं आपको इसी में बता रही हूँ नॉट। आप मेरी वीडियो पॉज करिए, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है जल्दी जल्दी समझने में तो मेरी वीडियो पॉज करिए और आप एक ही चीज नोट करिए। ठीक है, आप पूरा अपना टाइम ले सकते हैं, डोंट वरी। अब बात करते हैं डबल इंटरोगेटिव की, यानी जिसमें डब्ल्यू एच फैमिली का यूज होता है, किसी क्वेश्चन वर्ड का हम यूज करते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली यानी कि जो से स्टार्ट होते हैं। अब तक मैं हर टेंस में आपको डब्ल्यू एच फैमिली के बारे में बता चुकी हूँ, वेयर, विच, हाउ मैनी, हाउ मच, हूज। ठीक है, इस टाइप से व्हाट, वेयर, ये सब डब्ल्यू एच फैमिलीज होती है। ठीक है, जो डब्ल्यू एच फैमिलीज के सारे वर्ड जो भी होते हैं क्वेश्चन वर्ड में लिख चुकी हूँ, आप लास्ट वीडियो में जाके, प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं डब्ल्यू एच फैमिली। तो स्टार्ट करते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए, कैसे बनाओगे इसे? कुछ बड़ा लग रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है, लेकिन कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया है, बस एक छोटी सी चीज ऐड हुई है और ज्यादा कुछ भी नहीं किया है। सिंगल इंटरोगेटिव में यानी यस और नो टाइप सेंटेंसेस जो होते थे उसमें हम ऐसे ही करते थे ना, इसको मैं हाइड कर दूं, डब्ल्यू एच फैमिली, ये डब्ल्यू एच फैमिली क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, वेयर, विच, इस टाइप से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसको हाइड कर दूं तो सेम रूल आप सीख चुके हो, बस इसके आगे जो वर्ड है ना डब्ल्यू एच फैमिली का, कहां जैसे, ये सब लगा देते हैं। तुम कहां जा रहे हो, तो सबसे पहले इसमें हम कहां से स्टार्ट करेंगे, कहां, ये वाला वर्ड लग जाएगा। अब और उसमें हम कैसे पूछते थे सिंगल इंटरोगेटिव में, क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग, यही होता था। अब इसके आगे तुम कहां जा रहे हो, वेयर, इसके बाद हेल्पिंग वर्ड, वो हेल्पिंग वर्ड से डायरेक्ट स्टार्ट होते थे, इसके आगे बस ये और जुड़ जाता है क्वेश्चन वर्ड। वेयर, आर, आर क्यों लगा है, यू के साथ करने के होता है, आर प्लूरल तो आर। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट और इसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी लिख देते। ठीक है, अगर इसी में नेगेटिव आ जाए तो वेयर आर यू नॉट, मैं नीचे भी बताऊंगी आपको एक और सेंटेंस ये है। ठीक है, तुम कहां नहीं जा रहे हो, लेकिन ऐसा हम कभी पूछते नहीं है, तो मैंने इसलिए सेंटेंस दूसरा लिया है इसका, तुम कहां नहीं जा रहे हो, हमेशा ये पूछिंग कोई जा रहा है, तुम कहां जा रहे हो, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगर इंटरोगेटिव में नेगेटिव भी आ जाए तो सबसे पहला रूल नॉट, हम कहां लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, नहीं, नो, कंप्लीटली रॉन्ग, हम लोग लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद, ये कभी भी रूल चेंज मत करना। ठीक है, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो, सबसे पहले इसमें से क्वेश्चन वर्ड ढूंढो क्यों, और क्योंकि इंग्लिश होती है वाय, के बाद हेल्पिंग वर्ड आर, यू के साथ आर ही लगेगा, प्लूरल शो हो रहा है, आर यू नॉट, वाय आर यू नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, नॉट डूइंग, और ऑब्जेक्ट योर वर्क। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन को प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।